नाम जी एक बंदा जाओ, एक बंदा जाओ। सरकार चाहे तो चार गुना मुआवजा दे सकती है। सर हमारे यहाँ किसानों के हाल बहुत बुरे हैं और आपकी कॉपी भी है सर, हमने आपको पत्र चार भी किया सर, कोरोना से पहले भी सर, बीच में भी किया जी 2000। सर आप तो महान आदमी है, हम किसानों का जूस निकाला सर, बहुत कम मुआवजा दिया गया है। घोषणा पत्र में चार गुना घूमर जी थे, उसका मुख्यमंत्री सरकार ने वो भी जो थी चार साल हो गए हमको इस मांग को उठाते उठाते नेता चार साल से हम बोल रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे, कोई सुनवाई नहीं। ठाकुर साहब गुड इवनिंग, पिछली बार मैं गुस्सा हमारे कोई आ जाए हमारी बात सुनते नहीं है, हमारे बारे में रोड पे आ गए हमारे बच्चों को आवाज जा देती है। सरकार है देश में भी, हमारी सरकार है तो हमारी तो हमारी प्रधान में भी ना तो शिक्षा मंत्री सुनता ना तो विधान सुनता है, फिर वो कुछ बात सुनता है नहीं। जो घोषणा पत्र है धूमल जी का वो नाम सुना है, हम तो ही कह रहे हैं सुनता है। सर हमें कोई विरोध नहीं है, हम बीजेपी के बंदे हैं और जयराम ठाकुर के क्लास फेलो है, फिर ये मरता व्यवहार करो। आपसे बात करने के लिए चीज हटा दो सर, हमें सर हमारी नहीं बोल रहा हूँ एक मिनट अंकल जी, एक मिनट, एक मिनट बात करो आप। प्यार आपसे बात करने के लिए रुका हूँ जी सर, थैंक यू। मैं अभी अभी से कहा कल फिल्म की कनेक्ट जी, इसने पैसा निकाला हिसाब किताब मुख्यमंत्री जी और मैं रखेंगे, जो मेरे से हो सकता है जी सर, थैंक यू। पर आप खुद रुके, आपकी मानता है, आप बहुत ग्रेट पर्सन है, हम भी पार्टी के आदमी हैं सर, भगवान आप मान लीजिए सर, किसानों के बेटे हैं, ये भी ग्रेट मुख्यमंत्री के लेकिन हाथ में नहीं है। मैं जब हमारी मिनिस्ट्री अप्रूव करी सर, आपने तो बोला कि केंद्र कल मुझे कानूनी समझ, हमने चार मांग रहे तीन दे दो सर, गुड बिल हमको नहीं मिला सर, गुड बिल का एक पैसा मिला आज लटकाते रहे, ये मेरे अधिकार में ऐसा इसका एक्ट बना हुआ है, फिर भी उसमें क्या मार्ग निकालकर आपको ज्यादा कितना दिया जा सकता है। कल मैं बैठ के पीटी साहब बोलते मैं नहीं गुड बिल दूंगा, मैं जानता हूँ देना कि नहीं देना जी, बात करके राजी नहीं करते करते हैं नहीं देना, नहीं मान गए तीन नहीं दे देना सर, आप महान आदमी है, गडकरी के अलग गडकरी जय जय श्री राम, 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 आज हम क्या नाम है आपका? आज हम यहाँ पोलैंड प्रभावित किसान संघ गडकरी जी से मिलने आया था, इससे पहले हमको प्रोटोकॉल के तहत एसपी कुल्लू ने गडकरी जी ने उस टाइम मुख्यमंत्री जी से उनसे मिलाया और हमने अपना ज्ञापन शांतिपूर्वक सौंपा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप कोई भी हंगामा यहाँ पे मत करना, तो हमने शांति प्रिया हम साइड में खड़े होकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं था, शांति प्रिया हम लोग बैनर और झंडे लेके खड़े हुए थे और
गडकरी जी की मानता है, वो इतने अच्छे आदमी है, इसी वजह से हम आज मिलने आए। हम दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली कोरोना काल में नहीं जा पाए, तो हम गडकरी जी ने हमको देखा और गडकरी जी खुद रुके हमसे मिलने। तो हमने गडकरी जी को मांगे बताई, तो मुख्यमंत्री मोदी जी ने भी पहले बोला था कि हमने तो आपको बोल दिया था तो आपने क्यों रोका। तो हमने मुख्यमंत्री मोदी हमने नहीं रोका, गडकरी जी हमको देख के रुके, उनकी मानता है। और हम किसान है, हम किसान लोग चार गुना की मांग जो चार सालों से 2017 में भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने बोला था कि भाजपा की सरकार ने आने दो। प्रेम कुमार धूमल जी उस टाइम विपक्ष के नेता थे और रणधीर शर्मा जी इसके मुख्य प्रवक्ता थे घोषणा पत्र के। उस घोषणा पत्र में इन्होंने बोला था हमारी सरकार आते ही चार गुना मुआवजा देंगे। आज हमको 2017 से सड़कों पर लड़ाई लड़ते लड़ते शांति प्रिय लड़ रहे हैं हम। आज तक हमने कभी कोई हंगामा नहीं किया। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय किसान के बेटे हैं, किसानों की बात किसान के तरीके से समझे। आने वाले दिनों में ऐसा न हो कि हमको उग्र आंदोलन करना पड़े, टोल पर हमको धरना प्रदर्शन करना पड़े या हम लोगों को भूख हड़ताल न करनी पड़े। हम आने वाले समय में आत्महत्या और आत्मदाह तक कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाजपा सरकार से बहुत निराश हो चुका है, क्योंकि ये अपने घोषणा पत्र को ही मांग नहीं रहे। इनका जो 2017 का घोषणा पत्र था, आप भी पूछना मोदी, मैं आपको प्रेस को मीडिया को भी कॉपी भेज दूंगा कि इन्होंने 2017 में घोषणा पत्र बनाया, उसमें लिखा चार गुना मुआवजा, दुकानदारों को गुडविल, स्थानीय लोगों को रोजगार, कोई नुवाई मिटकोली यहाँ भुंतर कुल्लू जितने भी उजड़े हैं, किसान है, नौजवान है, किसी को भी रोजगार नहीं मिला। मेरी सरकार से निवेदन है और आप मीडिया से भी बहुत निवेदन है कि आप हमारी मांग को प्रमुखता से उठाइए। धन्यवाद। आज आपकी बात हुई है, क्या कुछ आश्वासन जो है यहाँ पूरा दल को? गडकरी जी ने, गडकरी जी ने हम लोगों को देख के यहाँ पे रुके और उन्होंने खुद रुक के मुझे बुलाया, मैं सामने गया तो उन्होंने बोला कि आपकी क्या मांग है। तो हमने बोला सर ये मांग है, तो उन्होंने बोला मैं मुख्यमंत्री जी को बुलाता हूँ। तो गडकरी जी 5 मिनट रुके, मुख्यमंत्री जी पीछे काफिले में थे, तो उन्होंने सड़क पे मुख्यमंत्री जी का भेंट किया और उनको बोला कि इनकी मांगों के बारे में बैठ के हम जल्दी ही हल निकालेंगे। तो हमारी सरकार से मांग है कि हम लोग शांति प्रिय धरना प्रदर्शन आज तक करते हैं, 2017 से कोई हुल्लड़बाजी नहीं की, तो आप भी कृपया हमारी मांगों को माने प्यार से, नहीं तो आने वाले टाइम में हम लोग भूख हड़ताल पर या धरना प्रदर्शन करेंगे या आत्मदाह करने की नौबत गोली टोल प्लाजे पर आ जाएगी। और आने वाले दिनों में हम लोग टगोली में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और 2-4 दिनों के अंदर तहसीलदार और डीसी मंडी का घेराव करेंगे। धन्यवाद। आपके सामने एक दृश्य हुआ है, क्या कुछ दृश्य हुआ था जब मैं एक्चुअली उस दृश्य के टाइम उधर साइड में था, लेकिन ऐसा मुझे दिखा कि एसपी साहब को ये लोग धक्का मुक्की करने पर इनके जो आदमी थे धक्का मुक्की करने लगे, जबकि एसपी साहब ने हमको टाइम अंदर दे दिया था मिलने को। लेकिन यहाँ मुझे कुछ बातें सुनाई थी लोगों के द्वारा कि एसपी साहब को बोला कि गडकरी जी को क्यों सड़क पर रोकने दिया आपने, तो एसपी साहब तो पीछे थे, एसपी साहब आगे नहीं थे, सिक्योरिटी यहाँ थी, गडकरी जी ने खुद गाड़ी रोकी, इसमें एसपी की खुद गलती है। मोदी हम बोलते हैं हमारी वजह से कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं, हम भी किसान है, किसान के बेटे हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं, मुख्यमंत्री भी किसान जी के किसान के बेटे हैं, वो बहुत अच्छे किसान परिवार से संबंधित है, उनको भी किसानों के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो छोटे मोटे मुद्दे हैं इनमें कोई अच्छी बात नहीं। एसपी मोदी का भी धन्यवाद जी, उन्होंने हमें मिलाया पहले मुख्यमंत्री से कि हम आपकी बात कराते, आप लोगों को कोई हंगामा नहीं करना। एसपी साहब ने भी मुझे बोला था, लेकिन हमने शांति प्रिय किया, आप मीडिया भी यहाँ थी, पुलिस प्रशासन यहाँ था, हमने कहा शांति प्रिय धरना प्रदर्शन यहाँ किया, कोई ऐसी बात नहीं है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।